तो दोस्तों, मेरे भी कैपकट के एप्लीकेशन के अंदर ऐसे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था। फिर मैंने 10 सेकंड के अंदर उसको ठीक कर दिया और अब मैं जितना चाहे कैपकट एप्लीकेशन को यूज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये है कि आखिर कैसे मैंने ये इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो भी 10 सेकंड के अंदर। यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया था कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करी जा सकती है, तो वैसे तो मेरे को बहुत सारे वीडियोस नजर आए, लेकिन एक से बड़े एक व्यूज के भुक्कड़ लोगों ने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे वीडियो डाल रखे थे जहां पे मेरे को 1% का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके तरह एक नॉर्मल यूजर हूं जो कि हमेशा दोस्तों की हेल्प करना चाहता हूं। तो बस ये 2 से 4 मिनट के वीडियो में मैं आपको टोटल तरीका बता दूंगा कैसे ये ठीक किया जा सकता है। YouTube पे ग्रो करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मेरा जो प्रोजेक्ट है इसे भी मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो नो इंटरनेट कनेक्शन हमें बताया जा रहा है। तो इसे अभी मैं आपके आंखों के सामने लाइव फिक्स करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। कोई सा भी अगर मैं इफेक्ट वगैरह लगाने जाता हूँ, मतलब यहाँ पे टोटली आप एडिटिंग कर ही नहीं सकते जब तक आप जो है अपना इंटरनेट ऑन नहीं करते। मेरे ऑलरेडी वाईफाई कंप्लीट करके रखा हुआ है, मतलब कनेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि एडिट कर सकूँ क्योंकि नो इंटरनेट बता रहा है। कई लोग बोलेंगे वाईफाई की दिक्कत है, चलो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं, वाईफाई को बंद करते हैं और हमारे जो फोन का इंटरनेट है उसे चालू करते हैं। अब भी मैं करके दिखाता हूं होता है कि नहीं। चलो इस पे भी हम ट्राई करते हैं। नो इंटरनेट कनेक्शन, मतलब दिमाग का दही करके रख दिया था मैं कसम से कहूं तो। अब हमें क्या करना है, ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है हमें, ठीक है ना। यहां पे मैं फ्लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एक्चुअली देखो फ्लाइट वाले पे भी क्लिक कर सकते हो, सेटिंग वाले ऊपर ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, नीचे की तरफ आना है, आपको गूगल एड्स मिलेगा। तो गूगल एड्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एड्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करके रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी मिलेगा, इससे हमारी आईडी रीसेट हो जाती है। तो रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक करते हैं, आईडी रीसेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अभी भी अगर हम ट्राई करते हैं तो देख सकते हो ये अभी भी काम नहीं कर रहा क्योंकि हमें और एक काम करना बाकी है। हम क्या करेंगे, हम हमारे गरीबों के मसीहा यानी कि प्ले स्टोर के पास अपने चरण लेके पहुंच जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा। देख सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे सिक्योर VPN। सिक्योर VPN क्या है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके IP एड्रेस को चेंज करके आपको दूसरे सर्वर से कनेक्ट कर देती है जिससे कि आप जो है इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, जो कट VPN है, कैपकट VPN है। कैपकट VPN नहीं, मतलब एडिटिंग ऐप है एक्चुअली। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करके आप VPN को ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है। कनेक्ट के वाले ऑप्शन पे क्लिक करते आपका जो सर्वर है कनेक्ट हो जाता है अदर कंट्री से, क्योंकि इंडिया में एप्लीकेशन बैन है जो कैपकट है, इसलिए अदर कंट्री से जैसे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप जाके इस एप्लीकेशन को फिर से चेक करोगे तो अभी भी नो इंटरनेट दिखा रहा है। तो इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को पहले हटाएंगे, हटाने के बाद फिर से इसे ओपन करेंगे। अब हमने अपना VPN जो है ऑन कर लिया है। अब इसके बाद जैसे ही मैं ओपन करता हूं आपकी आंखों के सामने देख सकते हो लोडिंग लेना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स की भलाई के लिए बनाता हूँ मेरे भाई। ऑलरेडी मेरे पास 5-5 यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, भगवान के हिसाब से बहुत पैसे कमाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे हम जो है अब जो चाहे इफेक्ट यूज कर सकते हैं, जो चाहे टाइटल यूज कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट इस एप्लीकेशन को हम जो है अब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कई सारे यूट्यूबर्स आपको बस बेवकूफ बनाते हैं खुद पैसे कमाने के लिए। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब वो रियल हो या फिर आपके काम के लायक हो, वरना मैं वीडियो नहीं बनाता। अभी देख सकते हो जितने भी टेक्स्ट हैं सारे अनलॉक हो चुके हैं, दबा के यूज करो, दबा के आप जो है वीडियो बनाओ, क्रिएट करो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।